नमस्कार दोस्तों, मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली कैंटफेस प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। और एक छोटी सी अच्छी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट मैं जो कि लगातार आपसे कर रहा हूं, और वो ये कि जो आप लोग थोड़ा सा जो है अपने आप को स्थिर कर लिए हो एग्जाम्स की वजह से, थोड़ा सा अपने आप अंदर जो है ऊर्जा को संचारित करिए और दोबारा से तैयारी पर लग जाइए। आरओ का एग्जाम आपका होगा, निश्चिंत रहिएगा, टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, एक बार ऑलरेडी आपकी परीक्षा हो चुकी है, री एग्जाम होना है, परीक्षा होनी है। कई बार मेरे पास कमेंट्स एंड कॉल्स आते रहते हैं कि सर क्या एग्जाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एक बात क्लियर कर लेना कि एग्जाम भी होगा आपका, आपका सिलेक्शन भी होगा, लेकिन उसके लिए जो चीज जरूरी है वो ये है कि आप कंटिन्यूस वे में अपनी स्टडी को करते रहें। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा शीत निद्रा से वापस आइए और पुनः से अपनी तैयारी में लग जाइए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी अभ्यर्थियों को इसका फायदा मिलता रहे। तो आज है 27 नवंबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण कैंडिडेट पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले सूचना जो आपको लगातार कई दिनों से दी जा रही है, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे कि दरअसल डिकोड एग्जाम की तरफ से यूपीपीसीएस 2025 फाउंडेशन कोर्स के नाम से एक कोर्स लॉन्च किया गया है जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स है, जहां पर आपको मेंस के साथ में आपके प्री की तैयारी, इसके अलावा आपको जो है पीडीएफ में नोट्स, इसके अलावा आपको जो है प्री के पीवाईक्यूज, मेंस के पीवाईक्यूज, साथ ही साथ में आपको जो है प्री के टेस्ट सीरीज, मेंस के टेस्ट सीरीज और अन्य बहुत सारी सुविधाएं आपको प्रदान की जाएंगी। चाहे वो टीचर से पर्सनल इंटरेक्शन करना हो आपको, आपके कोई भी डाउट्स हो, वो सभी चीजें दरअसल आपके माध्यम से यानी कि हमारे माध्यम से जो है आपके साथ कॉन्टैक्ट किया जाएगा और आपकी सभी क्वेरीज को जो है शॉर्ट आउट किया जाएगा। फीस वगैरह बहुत नॉर्मल हम लोगों ने रखी है, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। 9 मंथ्स के अंदर ये पूरे कोर्स को जो है वाइंड अप कर दिया जाएगा, 18 मंथ्स की वैलिडिटी रहेगी, 18 महीने तक आप एप्लीकेशन पर डाउनलोड किए हुए वीडियो को कितनी ही बार देखिए कोई मैटर नहीं करता। और इसके अलावा अगर आप जो है प्रॉपर तरीके से अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आती है 2025 में, ठीक है, या जब भी आप देंगे एग्जाम तो आपने जो फीस हमें दी होगी वो फीस बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे, एज ए गिफ्ट आपको जो है रिटर्न कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जो है अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है आपके लिए। तो मुझे लगता है कि आपको इस कोर्स को प्रॉपर तरीके से जो है करना चाहिए और इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, चाहे वो आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो, चाहे प्री का डेली क्विज करना हो, सारी चीजें दरअसल आपको क्लास में कराई जाएंगी जो कि अपने आप में एक एकीकृत योजना आप इसे कह सकते हैं, जो कि दरअसल आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ चीजें हैं। और इसके अलावा अगर आपको यूपीपीसीएस 2025 को लेकर के कोई मन में आपके डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई शंका है, उस समाधान के लिए आप लोग डिस्कशन बॉक्स में जो टेलीग्राम जो गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, इस गूगल फॉर्म के लिंक को आप लोग क्या करिएगा, ओपन करिएगा, वहां पर एक गूगल फॉर्म मिलेगा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। आपके मन में जो भी शंका होगी एग्जाम्स को लेकर के, पीसीएस को लेकर के, वो सभी डाउट्स आपके दरअसल कॉल्स के माध्यम से शॉर्ट आउट कर दिए जाएंगे टीचर्स के माध्यम से, या मेरे द्वारा या अन्य किसी डिकोड एग्जाम के टीचर के द्वारा आपकी सभी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी सी न्यूज थी आपके लिए, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी। बाकी आप लोग पीसीएस पर फोकस करिए, अगला वर्ष आपका एज ए एसडीएम, एज ए जो भी आपकी पोस्ट मनचाही होगी, आप उसमें सफल हों, यही हमारी शुभकामना है। ऑल द बेस्ट है। आइए हम लोग सीधे तौर पर आज की कैंडिडेट पर चर्चा करते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग फटाफट करते हैं रिवीजन 26 नवंबर का। 26 नवंबर में पहला प्रश्न था आपके सामने कि हाल ही में उमा दास, किसका, उमा दास गुप्ता का निधन हो गया है, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो वह क्या थी, अभिनेत्री थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत रूस कार्य समूह की 22वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है आपका नई दिल्ली में। एक बात ध्यान रखिएगा कि अलग अलग देशों के साथ जो महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं, दरअसल वह बैठकें आपके एग्जाम के लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती हैं, चाहे उसका कोई नंबर हो कि कौन सी बैठक, जैसे कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, 22वीं बैठक, तो आपके एग्जाम में यह सीधा फैक्ट पूछ लेगा और आप जो है क्या करोगे, ध्यान नहीं दोगे तो चुपचाप से अपने प्रश्न को गलत करके चले आओगे। तो ध्यान रखना है कि जब भी कोई चीज पढ़ो आप, तो आपके मन में एक चीज होनी चाहिए कि आप अपने मन से क्वेश्चन को क्या करिए, फ्रेम करिए। ध्यान रखना कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अपनी नॉलेज को थोड़ा सा इनहांस करिए, और जब कोई टॉपिक पढ़िए आप, तो वहां पर देखिए कि इस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं,
फॉर एग्जाम्पल आप खुद सोचिए कि अगर आप एग्जामिनर होते तो पर्टिकुलर इस डेफिनेशन से, इस जो है टॉपिक से आप किस प्रकार के प्रश्न बनाते, यदि आपके मन में जो प्रश्न बनने की संभावना अगर होने लगी दैट मीन्स कि आप सही ट्रैक पर हैं। तो ये थोड़ा सा एक कोशिश करने की कोशिश कीजिएगा, बाकी तो मैं आपको बताता ही रहता हूं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली केला निर्यात ट्रेन शुरू की गई, जल्दी बताओ। तो ये क्या था, आंध्र प्रदेश था, और मैंने आपसे पूछा था कि भैया बताओ कि भारत में केला उत्पादन के रूप में प्रथम राज्य कौन सा है, आपने उत्तर नहीं दिया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप जो है इसका उत्तर जरूर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बना। देखो ये प्रश्न बेसिकली टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी 26 नंबर वाले कंटेंट में, हालांकि इस प्रश्न को मैंने पहले भी कराया था अगर आपको याद होगा। ठीक है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक यहां पर 114 हो गया था इसको, हालांकि पीडीएफ में हमने बोल दिया था कि सही करवा दीजिएगा। तो यहां पर आप लोग क्या करिएगा, ये 104वां है, 114वां नहीं है। ठीक है, यानी कि पूर्णकालिक सदस्य के रूप में आईएसए, जिसको क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, यानी कि इसको हम आईएसए बोलते हैं, जिसका मुख्यालय कहां पर है, गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम में है। और ये बेसिकली कब बनाया गया था, हमने आपको बताया था 2015 में, यानी कि 2015 में। ठीक है, तो आर्मोनिया 104वां जो है क्या है, पूर्णकालिक सदस्य बन गया है, किसका, आईएसए का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर हरे कृष्ण महताब की जयंती मनाई जाती है तो 21 नवंबर को। नेक्स्ट है, संविधान दिवस मनाया जाता है, यह मनाया था आपका 26 नवंबर को, इसको भी हमने आपको डिटेल्स में कराया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी कौन करेगा, तो बिहार करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मेघनाथन का निधन हो गया है, उनका संबंध किसी से है, तो वो मलयालम अभिनेता थे, याद रखिएगा। तो ये था हमारा रिवीजन, और अब हम आते हैं आज के प्रश्न पर, लेकिन उसके पहले जो लास्ट जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे जो बिगिनर्स होंगे, जो नए स्टूडेंट्स होंगे, उनको ये नहीं पता होगा। आप खिलाड़ी होंगे इस फील्ड के, यानी कि आप लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे, तो आपके लिए प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन जो स्टूडेंट्स बिगिनर्स होते हैं शायद उनको ये उत्तर नहीं पता रहा होगा। तो अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है, ठीक है, भारतीय संविधान में आर्टिकल 17 के तहत, यानी कि जो अनटचेबिलिटी है वो बेसिकली किसमें है, आर्टिकल 17 में है। ध्यान रखिएगा कि जो शुरुआती जो आपके आर्टिकल्स हैं, महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कह रहा हूं, कान खोल के दिल खोल के सुनिएगा, जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स आपके पॉलिटिक्स के हैं, चाहे वो आपके फंडामेंटल राइट्स के हैं, चाहे वो फंडामेंटल ड्यूटी के हैं, चाहे वो डीपीएसपी के हैं, ये तीन चैप्टर्स आपके पॉलिटी के सबसे महत्वपूर्ण हैं, यानी कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं, आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं, और जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं, ये तीन के तीनों चैप्टर मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन तीनों चैप्टर्स को आपको घोलना है ऐसे करके और पी जाना है। दैट मीन्स कि आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से क्या करना है, रेडी कर लेना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आज का पहला प्रश्न है कि बताओ भैया भारत किस वर्ष ओलंपिक की मेजबानी करेगा, चर्चाओं में रहा है ये, तो आपको बताना है दैट कि ये बेसिकली कब करेगा मेजबानी। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 2026, 2030, 2036, 2028, जल्दी जल्दी से कमेंट करके जरा बताना कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका क्या, वो होगा आपका 2036, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ओलंपिक के बारे में बेसिकली आप लोग जानते होंगे, अभी हाल ही में ओलंपिक जो है हुए थे, संपन्न हुए थे, ठीक है। चलिए, तो भारत 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करेगा, चर्चा में क्यों है बेसिकली, है ना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि अभी जो आपके खेल मंत्री हैं, कौन है खेल मंत्री भैया, खेल मंत्री हैं आपके मनसुख मांडविया। देखो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार ना फैक्चुअल डेटा पूछ लेता है, जैसे अगर आप लोग ट्रिपल एससी का एग्जाम देंगे, मतलब यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम देंगे, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एग्जाम देंगे, जो कि बहुत स्लो चलता है, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो खेल मंत्री मनसुख मांडविया हैं, आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने नई दिल्ली में विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष कौन है, विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष और आईओसी सदस्य कौन, लॉर्ड सेबेस्टियन और कोए से मुलाकात की है, इसीलिए अभी चर्चाओं में यह है ओलंपिक, ठीक है। ओलंपिक 4 साल में खेला जाता है, ध्यान आपको पता होगा। इसके अलावा ओलंपिक प्रतीक में ओलंपिक रिंग होते हैं, ऐसे ऐसे करके बने होते हैं, ये आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये देखिए। और बेसिकली इसमें 5 रिंग होते हैं, कई बार फैक्चुअल डेटा के रूप में आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। वनडे एग्जाम जो होते हैं छोटे मोटे, वहां पर पूछा जाता है, पीसेस में ही पूछा जा सकता है, ठीक है। तो टेंशन मतलब ये नहीं कि बहुत आसान समझ लो इसको, ठीक है, ध्यान रखना। और ये बेसिकली जो 5 रिंग होते हैं, ये 5 महाद्वीपों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि उनको ये शो करते हैं, राइट। चलिए, इसके अलावा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 जो कहां पर आयोजित किए गए थे, पेरिस,
फ्रांस में आयोजित किए गए थे, राइट। चलिए नेक्स्ट है स्वतंत्रता योजना, दैट मींस फ्रीडम प्लान। ठीक है, फ्रीडम प्लान किसके द्वारा शुरू किया गया है? प्रसार भारती, जी टीवी, कलर और या फिर इनमें से कोई नहीं। कलर सुन के आप लोग खूब खुश हो गए होंगे ना, कलर देखने वाले बहुत लोग होते हैं। तो बताइए भैया किसकी ये बेसिकली किसके द्वारा शुरू किया गया है? प्रसार भारती, जिसको आप लोग बहुत ही कम शायद देखते होंगे, नॉलेजबल चैनल है, आप लोग इसको देखा करिए। प्रसार भारती का दरअसल ये योजना है, क्या फ्रीडम प्लान, क्या कुछ इसमें रहेगा, आइए हम लोग इसको देखते हैं जरा एक बार। तो प्रसार भारती, रेलटेल और प्ले बॉक्स टीवी ने आपसी सहयोग, ठीक है, दो ये सहयोग किसके किसके मध्य हुआ ध्यान रखिएगा, के माध्यम से रेलवायर ब्रॉडबैंड पर स्वतंत्रता योजना की फ्रीडम प्लान शुरू किया है। ठीक है, एक बात, प्रसार भारती के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात जो कि सीईओ हैं गौरव द्विवेदी, ठीक है, अब ये फैक्ट भी आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रसार भारती चर्चाओं में है तो आपसे पूछ लेगा कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, यानी कि जो इसके सीईओ हैं कौन है, आप कहेंगे गौरव त्रिवेदी हैं। तो ये यानी कि कौन, गौरव त्रिवेदी, और रेलटेल के जो अध्यक्ष हैं और प्रबंध निदेशक हैं कौन, संजय कुमार। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, नई दिल्ली में इस योजना की शुरुआत की है। तो दो लोगों ने मिलकर के इस योजना की शुरुआत की है जिसका नाम क्या है, फ्रीडम प्लान है, राइट। ठीक है, स्वतंत्रता योजना यानी कि जो फ्रीडम प्लान है, रेलटेल की रिटेल होम इंटरनेट सेवा रेल वायर द्वारा पेश किया गया एक क्या है, ओटीटी होम इंटरनेट प्लान है। यह भी आप याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन में जो है कूट के फॉर्म में आपसे यह प्रश्न, ये फैक्ट आपके एग्जाम में पूछ सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट है, यह आम लोगों के को किफायती कीमत पर क्या, हाई स्पीड इंटरनेट जो है क्या करेगा, प्रदान करेगा। इसमें प्रसार भारती का ओटीटी प्लेटफॉर्म बेब्स, ठीक है, समेत 9 अन्य प्रीमियम ओटीटी प्लेटफॉर्म 30 MB/s का हाई स्पीड इंटरनेट और साथ ही में 400 से अधिक लाइव टीवी चैनल्स और 200 से अधिक गेम शामिल हैं। गेम सुन के दिल तो खुश हो गया होगा, गार्डन गार्डन हो गया होगा, गेम मत खेलना, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिकली इसमें जो है बहुत दी गई होगी। अच्छा, बहुत लोग है ना अभी भी जो ग्रेजुएशन वेशन कर चुके हैं, अभी भी आजकल छोटा भीम देखते हैं। हाँ, मैंने सुना है, सही बता रहा हूं, छोटा भीम वो आज भी देखते हैं। बहुत सारे कार्टून ऐसे ऐसे नेटवर्क हैं जो बहुत, जो स्टूडेंट्स बहुत बड़े हैं उनको भी ना मजा आता है गेम खेलने में, कार्टून खेलने में। खैर ठीक है, गलत चीजों से तो अच्छा है कि यही काम करिए, लेकिन बच के रहना, ज्यादा नहीं खेलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वैश्विक सहकारिता सम्मेलन और महासभा का आयोजन कहां पर किया गया? और सहकारिता शब्द सुनकर के कई सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी। सहकारिता जो मंत्री हैं आपके कौन हैं, आपके अमित शाह हैं, और अमित शाह क्या हैं, आपके गृह मंत्री भी हैं, ठीक है। तो ये सम्मेलन नई दिल्ली, लखनऊ, गोवा या इनमें से कोई नहीं, कहां पर हो रहा है ये संपन्न भैया, जल्दी जल्दी बताइएगा मुझे। तो ये हो रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए होगा क्या, जी बिल्कुल, यानी कि नई दिल्ली में दरअसल ये सम्मेलन अभी आयोजित किया जा रहा है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक महत्वपूर्ण बात आपके लिए कि प्रश्न जितने भी आपको दिए जाते हैं, 7, 8, 9 जितने भी दिए जाते हैं, ये सभी के सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, जिस प्रश्न को मैं कहूं कि ये इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स कि ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि एक तरीके से ये पेपर में पूरी तरीके से आने की इसकी संभावना बनी रहेगी, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग जरूर याद रखिएगा, ओके। तो ये सम्मेलन बेसिकली अभी नई दिल्ली में हो रहा है, यानी कि पहला पॉइंट सेम जो हमने आपको बताया, और अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 मनाया जा रहा है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर एक स्मारक डाक टिकट भी बेसिकली क्या किया गया है, लॉन्च कर दिया गया है। विषय क्या है, सहकारिता से समृद्धि, इसका जो विषय है क्या है, सहकारिता से सभी के लिए समृद्धि का निर्माण है, ठीक है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन यानी कि जिसको हम लोग ICA भी बोलते हैं, ठीक है, के 130 साल के इतिहास में भारत में पहली बार क्या हो रहा है, वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और इसीलिए यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा कि यदि कोई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन या राष्ट्र जो है भारत में अगर आयोजित किया जा रहा है और काफी लंबे समय के बाद आयोजित किया जा रहा है, तो यह भारत के लिए एक तरीके से उपलब्धि वाला होता है, और ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। चलिए दूसरा, अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की स्थापना, हो सकता है यह फैक्ट आपसे पूछ ले, तो तुरंत इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की जो स्थापना हुई है वो 1895 यानी कि 1895 में की गई थी, ठीक है। यह विश्व भर में 30 लाख सहकारी उद्यमों का प्रतिनिधित्व करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें 1 बिलियन से अधिक जो है सहकारी सदस्य जो है इसके क्या हैं, मेंबर्स हैं इसके ओवरऑल, ठीक है।
भूटान के, अब इसमें कौन कौन शामिल हुआ बेसिकली, तो भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं कौन, दासो सेरिंग तोबगे। अब देखो ये फैक्ट भी आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि भूटान के प्रधानमंत्री कौन है, ये हैं दासो सेरिंग तोबगे। अब ये फैक्ट भी आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ जो भूटान है वो क्या है, भारत का पड़ोसी देश है, तो इसलिए भूटान से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। दूसरी बात है, भूटान और भारत का जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, इस पर भी आप लोग पीसीएस के लिए क्या करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा आईआर में, जो कि पेपर सेकंड में पॉलिटी में आता है। पीसीएस वाले खासकर ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। आरओ वाले फैक्चुअल डेटा पर ध्यान रखना, ध्यान रखना कि भूटान की सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं और भूटान के साथ क्या कुछ संबंध हमारा है, ठीक है। चलिए, तो भूटान के प्रधानमंत्री दासो सोरिक तोबगे और फिजी के उप प्रधानमंत्री कौन, मनोवा कामिका कामिका, ठीक है, कामी कामिका भी इस सम्मेलन में उपस्थित थे, यानी कि इनके भाई, इनकी भी क्या थी, पार्टिसिपेशन थी इस सम्मेलन में। ओके, चलिए, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर, तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस बेसिकली जो है मनाया जाता है आपका 26 नवंबर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और यह दिन क्या है, जो श्वेत क्रांति के जनक हैं वो कौन है, वो हैं आपके कौन, बेसिकली डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वर्गीज कुरियन की जयंती को याद करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने भारत को दुनिया भर में सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, याद रखिएगा। और दूध को बेसिकली कहा जाता है कि संपूर्ण आहार कहा जाता है बेसिकली, ठीक है। भारत का अगले 10 वर्षों में विश्व में उत्पादित कुल दूध का 1/3 उत्पादन करने का लक्ष्य है, ठीक है, याद रखिएगा। अब एक छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा टास्क आपके लिए कि दुग्ध उत्पादन में शीर्ष 3 देश या 5 देश कौन से हैं, ये जरा आज आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आज आपका टास्क नंबर क्या है, पहला है, मैंने क्या बताया, जो भी दुग्ध उत्पादन वाले जो शीर्ष 5 देश हैं, ठीक है, दुग्ध उत्पादन के शीर्ष 5 देश, ठीक है, एक। और दूसरा जो हमने आपको बताया टास्क, वो भूटान वाला था कि भूटान और प्लस भारत का जो संबंध है, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आईआर के लिए आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। 2 टास्क है, जो लोग वीडियो पढ़ रहे हैं मैं आपको बता दूं कि 2 कॉपी आपको बनानी है, एक टास्क की जो कि मैं आपको यहां पर होमवर्क देता हूं, और एक टास्क उसके लिए जिसके लिए मैं प्रश्न आपको अंत में देता हूं वीडियो के, मुख्य परीक्षा पीसीएस के लिए या यूपीएससी के लिए, ठीक है। 2 कॉपी आप लोग बना के रखिएगा अपने साथ में। ओके, चलो नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं कौन है, एंटोनियो गुतेरेस या जॉर्ज क्लिंटन, जॉर्ज मेलोनी, इनमें से कोई नहीं। अभी ये चर्चाओं में है, राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र महासचिव हालांकि चर्चाओं में अक्सर रहते हैं लेकिन अभी चर्चाओं में है एक कमिटमेंट के कारण, तो बताओ कौन है, तो वो है आपके एंटोनियो गुतेरेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस हैं महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए, क्या, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए 25 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जो है जाता है या मनाया गया, ठीक है। जो भी आप देखते होंगे कि महिलाओं के खिलाफ व्यापक स्तर पर दरअसल हिंसा देखने को मिलती है, ठीक है, आपको पता होगा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए कार्रवाई करने का क्या किया है, आह्वान किया है कि भाई इस पर जो है ब्रेक लगनी चाहिए। और कुछ डेटा है यहां पर जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, महिलाओं से संबंधित अगर कोई मुद्दा आता है आपके एग्जाम में, चाहे मुख्य परीक्षा में, चाहे एसए में, निबंध में, यानी कि, तो इन फैक्ट को आप लोग नोट करिएगा। फैक्ट क्या है जरा देखिएगा ध्यान से, और बहुत मार्मिक फैक्ट है अपने आप में, यह चिंताजनक बात है, ये डेटा क्या है जरा देखिएगा एक बार आप लोग, कि हर दिन औसतन 140 महिलाओं और लड़कियों को उनके अपने परिवार के किसी सदस्य द्वारा मार दिया जाता है, कितना औसतन, ये एवरेज है और ये गवर्नमेंट का डेटा है, दैट मींस कि इससे ज्यादा नंबर ये होगा, ठीक है ना। तो औसतन 140 महिलाओं और लड़कियों को उनके अपने फैमिली मेंबर्स द्वारा, बाहर का नहीं अपना ही कोई व्यक्ति जो है मार देता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि लगभग 3 में से 1 महिला शारीरिक या यौन हिंसा को झेलती है, यह अपने आप में बड़ा डेटा है अपने आप में, और महिलाओं से संबंधित यह बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में। हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आसमान को छूने की बात करते हैं, चंद्रमा मंगल ग्रह पर जाते हैं, लेकिन जो वेद में कहा गया है यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, शायद हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं के खिलाफ हिंसा जो होती है, चाहे दहेज प्रथा को लेकर के हो, चाहे विवाह संबंधी हो, या कोई भी पारिवारिक हिंसा हो, बड़े स्तर पर होती है, और इस पर रोक लगाने का जो है
कार्य सिर्फ सरकारें नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य भी है कि हम उनके सम्मान में अपनी चीजों को करें और उनके सम्मान को आगे बढ़ाएं, क्योंकि महिलाओं के सम्मान के बिना देश, समाज और यह विश्व जो है आगे नहीं बढ़ सकता है। तो यह अपने आप में डेटा जो दिया गया बड़ी चिंताजनक बात है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि इस पर रोक लगाने का जो मेनली जो वर्क है कहीं ना कहीं वो हमारा है, क्योंकि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने कहा था, जो कि गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि हम बदलेंगे युग बदलेगा और हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, यानी कि हर एक व्यक्ति यदि अपने आप में सुधार कर ले निश्चित तौर पर यह दुनिया बदल सकती है, लेकिन शर्त इतनी सी है कि हम अपने अंदर क्या करें, परिवर्तन लाएं, यानी कि मन, वचन और कर्म, यानी कि मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों सिद्धांतों के आधार पर हम अपने को क्या करें, मजबूत करें, अपने आप को सुदृढ़ आचरण करें। ठीक है, खैर आगे बढ़िए। तो संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने और भी क्या कहा कि संघर्ष, देखिए पॉइंट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्या संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि संघर्ष, क्या संघर्ष, जलवायु और भूख के संकट ने असमानता को बढ़ाया है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट जो दिया गया है ना, ये स्टेटमेंट आपके पीसीएस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपीएससी का अगर आप एग्जाम देंगे तो यूपीएससी में ऐसा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, थोड़ा सा घुमा करके प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि संघर्ष, जलवायु और भूख के संकट ने असमानता को बढ़ाया है, क्या आप इस बात से सहमत हैं, समालोचनात्मक टिप्पणी करें, यानी कि क्रिटिकली एग्जामिन करें। यह प्रश्न जो स्टेटमेंट आपके संयुक्त राष्ट्र महासचिव का है, यही उनका स्टेटमेंट आपके प्रश्न के रूप में क्या होगा, बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि इसको आपको रेडी कर लेना है, और यह टास्क मैं आपको देता हूं, कल प्रश्न भी यही मैं आपको दूंगा, लेकिन जरा देखते हैं कि क्या आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। तो यह प्रश्न आपके लिए यही है जो आपको रेडी करना है। भैया जी लोग इसको प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता हूं, ये सब चीजें ठीक है बाद में आपको भी बताने वाला होगा नहीं, ठीक है, ये सारी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर पीसीएस अभ्यर्थी वाले, अगर आपको फोकस मुख्य परीक्षा का है तो ठीक है। उन्होंने कहा कि यौन हिंसा को युद्ध क्षेत्र में हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, बड़ी चिंताजनक बात है, इस पर जरा गौर कीजिएगा, इन सारे पॉइंट्स को, और इस पर जो है आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, और महिलाओं से संबंधित जो मुद्दा होता है आपके निबंध में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं, कौन बन गए भैया, बड़ा चर्चाओं में है, आप सभी लोग जानते होंगे शायद, तो अनु सिंह है या वैभव सूर्यवंशी है, कुशाग्र सूर्यवंशी है, फिर अनिल विष्ट है, हो सकता है कि इनमें से आप जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं, तो बेसिकली वैभव सूर्यवंशी यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो, तो इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी हैं वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं। नेक्स्ट है, उन्होंने चेन्नई में 19 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों के यूथ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 62 गेंदों पर 104 रन बनाए थे। ठीक है, इसके अलावा इस साल के शुरू में क्या हुआ है कि वैभव ने महज 12 वर्ष की उम्र में बिहार की ओर से रणजी ट्रॉफी में जगह बनाई थी और रणजी ट्रॉफी के सबसे कम उम्र के क्या है खिलाड़ी बन गए थे। जिस उम्र में आप जो है छोटा भीम बड़ा भीम देखते हो, उस उम्र में इसने क्या किया, इतने बड़े जो है सफलता को अर्जित किया है। ध्यान रखिएगा कि सफलता और असफलता हमारे ऊपर निर्भर होती है, यदि हम चाह लेंगे तो हम विश्व स्तर पर वैश्विक स्तर पर जो है महारत हासिल कर सकते हैं, और यदि हम नहीं चाहेंगे तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा सा रील्स से दूर हो जाइए और अपने प्रति सिंसियर हो जाइए, अपने प्रति थोड़ा सा क्या करिए, थोड़ा सा अपने आप को कॉन्स्टेंट करिए और पढ़ाई में मन लगाइए, नहीं तो जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय और सिवाय मायूसी के, सिवाय और सिवाय आंखों में आंसू के। ठीक है, इसलिए ये समय है पढ़ाई करने का, खूब जम के तैयारी कर लो, कोई दिक्कत हो मुझसे आप जो है आराम से बात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत और तंजानिया के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त रक्षा सहयोग समिति यानी कि JDCC की तीसरी बैठक कहां पर आयोजित हुई है, अभी लखनऊ, गोवा, नई दिल्ली, देहरादून, जल्दी जल्दी बताओ। हो सकता है कि आपको लगे कि यह नई दिल्ली में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, नई दिल्ली में नहीं होगा, यह होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या बी, यानी कि बी इज द राइट आंसर, दैट मींस कि जो है आपका इसका सही उत्तर क्या होगा, गोवा होगा। ठीक है, चलें, तो भारत और तंजानिया की बीच के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त रक्षा सहयोग समिति JDCC की तीसरी बैठक कब हुई है, 26 नवंबर, डेट तुरंत याद रखिएगा, 26 नवंबर को आयोजित हुई थी, और आयोजन स्थल क्या है इसका, आयोजन स्थल इसका गोवा। ठीक है, तो ये प्लेस और ये क्या, ये बेसिकली क्या डेट, और भारत और किस देश के मध्य में, तो ये भारत और तंजानिया के मध्य में, यानी कि तीनों फैक्ट आपको फट से क्या करना है, रेडी कर लेना। ओके, नेक्स्ट है, बैठक में दोनों पक्षों ने सहयोग के विस्तृत क्षेत्रों पर चर्चा की, इनमें प्रशिक्षण साझेदारी, सर्विस टू सर्विस,
समुद्री और रक्षा उद्योग सहयोग बढ़ाना शामिल है, यानी कि बहुत सारी बातें जो है इसमें दी गई हैं, आप इसको पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के लिए 5 वर्ष का कार्यक्रम भी निर्धारित किया है। ये वाला फैक्ट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये हो गया आज का हमारा क्या महत्वपूर्ण प्रश्न, आज 7 ही प्रश्न है, टेंशन मत ले लेना भाई, ठीक है, कि सर जी आप तो 7 ही कराते हो, मतलब कभी 8 कराते हो, आप तो 8-7 ही करा रहे हो, लोड नहीं लेना भाई, जितना इंपॉर्टेंट है उतना करा दिया गया, ठीक है। जो व्याख्या दी गई ना उसको पढ़ लेना, और जो टास्क दिया है उसको कर लेना, बहुत फायदे में रहोगे, ओके। चलो आज आपके लिए प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, या फिर एम ए अंसारी, फिर बदरुद्दीन तैयबजी। जल्दी जल्दी बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा, बहुत आसान प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। और अब आपके लिए मुख्य परीक्षा का अभ्यास प्रश्न है, लेकिन उसके पहले ये न्यूज जो आपको डेली मिलती है कि दरअसल अगर आपका फोकस पीसीएस और आरओ पर है तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से टेस्ट सीरीज अगर करना चाहते हैं तो 9000 प्रश्नों के माध्यम से पूरा यह व्याख्या आपको कराई जाएगी, जिसमें आपको 15 आरओ का टेस्ट मिलेगा, 10 पीसीएस का टेस्ट मिलेगा, 5 आपको सीसीआर का टेस्ट मिलेगा, और जो ये 5000 क्वेश्चन मिलेंगे विद डिस्क्रिप्टिव टाइप सॉल्यूशन इन पीडीएफ बायलैंगुअल क्वेश्चन जो है आपको यहां पर दिए जाएंगे, 5000 क्वेश्चन, ठीक है। बड़ा अच्छा ये वीडियो प्रोग्राम है, आप चाहें तो आरओ के अभ्यर्थी हो या पीसीएस के अभ्यर्थी हो, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को पढ़ाई को अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर लिखना होगा वीडियो टेस्ट और उसको लेकर के आपको भेज देना होगा 9506742546 पर, या फिर 6307495944 पर, ठीक है। चलिए अब आपके लिए मुख्य परीक्षा का प्रश्न है कि सुशासन क्या, सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस एक तरीके से, ठीक है, सुशासन की संकल्पना को साकारित करने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, चर्चा कीजिए। गवर्नेंस का यह टॉपिक है जो कि आपके पेपर सेकंड का पार्ट है, आप लोग इसको लिखिएगा, कहीं कोई समस्या होगी तो मुझे बताइएगा। और ये आपके भैया मेंस में पीसीएस में बहुत पूछा जाता है, आल्सो यूपीएससी वाले अभ्यर्थी और आल्सो पीसीएस वाले, ठीक है ना। तो इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा, बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, सीधे निद्रा से कल तक जाग जाइएगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। कल मिलकर हम लोग पढ़ेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।